गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। यार आज की मेरी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। एक्चुअली ट्राई तो मैंने किया था कि मैं आउटडोर शूट करूं, लेकिन मैं मतलब जब अपने सोसाइटी में नीचे शूट करने गई तो वहां इतना रश था, सब लोग ऐसे देख रहे थे कि मैं वापस आ गई ऊपर, और मैंने ऐसे ही कॉरिडोर में शूट कर लिया। लेट्स सी, बट मेरा जो इंटेंशन था कि मैं आपको डे लाइट में ये पूरा जो मैंने वियर किया था वो दिखाऊं, सो दैट आपको एक्चुअल लुक उसका पता चल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले ना मुझे एक चीज दिखानी है, वो मैं ब्लैक कलर का मोस्ट ऑफ सारी वीडियोस में आजकल मैं ये टॉप वियर करती हूँ, जो सब लोगों को लगता है टॉप है या ब्लाउज है, बट यार ना तो ये टॉप है ना ये ब्लाउज है, ये मेरी ड्रेस है। और ये है मेरी इस ड्रेस का लुक, लेकिन मेरी पहनी ही नहीं गई कभी भी। और अब जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यार इसको ट्राई करूं, और ये मुझे एज अ ब्लाउज बहुत अच्छी लगी, तो मैं सोच रही हूँ इसको ना थोड़ा सा कट करके इसका क्रॉप टॉप या ब्लाउज ही बना लूं, क्योंकि फुल ड्रेस तो कहीं जाती नहीं, तो मेरा पहना भी नहीं जाता है। और ये है इसका लुक। वैसे इस तरह की मैंने ना बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कहीं मिला ही नहीं। अगर आपको मिले तो आप ट्राई कर सकते हैं, साड़ी के साथ बहुत ही ज्यादा फैबुलस लगता है। तो बहुत कमेंट आए थे कि मैं इसे आपको दिखाऊं कि ये क्या है, तो यार ये है ये ड्रेस। और आज इसको मैंने पेयर अप किया है एक ब्लैक कलर की साड़ी के साथ, बहुत ही सिंपल सी लेकिन उतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल साड़ी। अगर आप पहनना चाहते हैं कुछ डिफरेंट, यार ऑर्डिनरी साड़ी से कुछ हटके पहनना चाहते हैं, तो इसको जरूर ट्राई करें। और ये है साड़ी ऑर्गेन्जा सिल्क में, मैंने इसको इंस्टाग्राम से बाय किया है, और उनके थ्रू मैंने एक साड़ी पहले भी बाय की थी, वो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, मैं इमेज लगा रही हूँ ये साड़ी मुझे सच में इतनी ज्यादा पसंद है, जब भी मैं पहनती हूँ मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। तो ये वाली साड़ी जब उन्होंने अपने पेज पर डाली मुझे बहुत पसंद आई, तो मेरा मन किया कि यार क्यों ना इसका भी रिव्यू शेयर करूं आप लोगों के साथ। एकदम सिंपल सोबर सी बहुत ही खूबसूरत साड़ी है, फैब्रिक है इसका ऑर्गेन्जा सिल्क, ये आप देखेंगे एकदम प्लेन साड़ी है, लेकिन पहनने के बाद इतना ग्रेस देती है ना यार ये, और इसमें जो ये लेस लगी हुई है वो तो जस्ट माइंड ब्लोइंग, बहुत सुंदर लगती है। इसका पल्लू जो है अच्छा स्पेशल क्या है इस साड़ी में, कुछ दिखने से लग रहा होगा कुछ स्पेशल, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हमें कहीं भी मिल जाएगी, मतलब ये ऐसी साड़ी नहीं है कि आपको कहीं भी मिल जाएगी। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये है एक हैंड पेंटेड साड़ी। पहली बात तो मुझे लगता है यार कितनी अच्छी पेंटिंग है, यहाँ तक अभी कमल का फूल ही नहीं ड्रा हुआ आज तक, और ये देखो कितनी प्यारी पेंटिंग है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत एक दुल्हन बनी हुई है वो, मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि कितना खूबसूरत इसका पल्लू लग रहा है, वो डोली बनी हुई है, ये फ्लावर्स बने हुए हैं, हैंड पेंटेड है तो इसकी वजह से कुछ डिफरेंट है। ये है इसका फाइनल लुक। अच्छा एक बार पास जरूर चेक कीजिएगा यार, कितना नीटली पेंट किया गया है, मैं तो सच में पेंटर को हेड्स ऑफ करती हूँ कि इतना खूबसूरत पेंट उन्होंने किया है। ये देखिए इसका पूरा लुक, और इसको ना मैंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में ड्रेप किया है। सो पहला स्टाइल चेक करते हैं, हैव अ लुक। मेरा फर्स्ट स्टाइल जिसमें मैंने ये वाली बेल्ट यूज की है, बेल्ट का मैं हॉल वीडियो काफी पहले शेयर कर चुकी हूँ, और आप लोग देखते भी होंगे कि मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ अपनी बेल्ट को। तो ये ऐसा मतलब आप इसको, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, अगर आपको पसंद आए तो वहां से आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टाइल में मैंने फर्स्ट साड़ी को ड्रेप किया, लेकिन जिस तरह से किया उससे बहुत ज्यादा ग्रेस आया। सेकेंड वे है कि आप इसे सीधे पल्लू में ड्रेप कर सकते हैं, तो एक बार ये लुक भी जरूर चेक कीजिएगा। Thank you.
लुक बहुत ही सिंपल वे में यार, मतलब साड़ी को ड्रेप किया और इसके साथ मैंने यूज की एक गोल्डन कलर की बेल्ट, जो कि पहनने के बाद बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। इस तरह की बेल्ट्स हैं, इन्हें आप किसी भी कुर्ती के साथ, सूट के साथ, ड्रेस के साथ, साड़ी के साथ इजीली पेयर अप कर सकते हो और पेयर अप करने के बाद लुक बहुत बढ़िया आता है। थर्ड जो मेरा वे है साड़ी को ड्रेप करने का, वो मैं आपको साइड में दिखा रही हूँ, बिकॉज अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने इसी स्टाइल से ड्रेप किया था। बहुत सारे कमेंट आए थे इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, कि यार मतलब इसको मैंने कैसे ड्रेप किया। बहुत ज्यादा सिंपल है, देखेंगे आप तो। इस तरह की साड़ी जिनका हैवी पल्लू होता है ना, उसमें तो बहुत ज्यादा ग्रेस आता है इस तरह ड्रेप करने में। आपको दिखाने वाली हूँ, ये मैं बिग बॉस बहुत ज्यादा देखती हूँ, तो बिग बॉस में रुबीना इस तरह से वियर करती थी और मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता था, मतलब उसका ये स्टाइल साड़ी ड्रेप करने का। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना ट्राई करके देखूं, ट्राई करके बहुत अच्छा लगा। सो दोनों ही मैं स्टाइल आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। किसी भी तरह की प्रिंटेड साड़ी में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर साड़ी इस तरह की होगी प्लस इतनी ग्रेसफुल होगी तो ऐसा लगेगा पहन के जैसे आपने कोई ड्रेस पहनी है। सब आपसे पूछने वाले हैं कि यार मतलब ये कहाँ से ली, क्योंकि आज जब मैंने इसको वेयर किया, मुझसे कितने लोगों ने पूछा कि मैंने ये साड़ी कहाँ से ली। तो मैंने सभी को बताया कि यार मेरी वीडियो आने वाली है यूट्यूब पर, आप उसमें चेक कीजिएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और एक बार आप चेक कीजिए मेरी साड़ी का लास्ट लुक। ये जो वेज मैंने आपको दिखाए, आप किसी भी साड़ी को इस तरह से ड्रेप कर सकते हो, लेकिन अगर इसे करोगे तो चार चांद लग जाने वाले हैं और आप छा जाने वाले हैं। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन देख सके आप सबसे पहले। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।